सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए जाने वाले इदारों के लिए एनओसी और अंडरटेकिंग की शर्त खत्म कर दी है। सिंध हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन से मुस्तस्ना सनतों, कारोबार और रेस्टोरेंट्स के लिए एक और बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। कमिश्नर कराची ने मुस्तस्ना करा दिए जाने वाले इदारों से एनओसी और अंडरटेकिंग लेने की शर्त खत्म कर दी है, जिसके बाद कारोबारी सनती सरगर्मियां और रेस्टोरेंट्स बगैर कोई कागज जमा कराए अपना काम शुरू कर सकते हैं। कमिश्नर कराची ने कारोबारी इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जारी कर दिया है, जिसके तहत तमाम इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, कारोबारी शख्सियात को महकमे दाखिला की जानब से जारी किए जाने वाले कवायद और जवाबित पर अमल करना होगा। कबल अजीज सिंध हुकूमत ने ताजिरों की मुशावरत से कराची में दुकानें और बाजार खोलने का प्लान तैयार किया था, जिसके तहत शहर कायद की तजारती मराकज और दुकानों को कारोबार की नौयत के लिहाज से 13 शोबाजात को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर दर्जे में शामिल शोबे को हफ्ते में 2 रोज कारोबार की इजाजत होगी। दाम मेडिकल स्टोर्स और दूध की दुकानें, बेकरियां पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत होगी।